नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ मनविंदर। कहते हैं मन बड़ा चंचल होता है, ये कब किस ओर पहुंच जाए, कहाँ चला जाए, कहाँ इसकी गति पहुंच जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी गति दुनिया में सबसे तेज है। इधर उधर की बातें सोचते हुए हम अक्सर अपना मन दुखी कर लेते हैं, अपना मन भारी कर लेते हैं। ना चाहते हुए भी कुछ बातें हमारे मन पे बोझ बन जाती हैं। अक्सर हमारा मन कुछ भारी रहता है और हम परेशान होते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे, अपने आप को संतुष्ट और सुखी महसूस करेंगे। दोस्तों, कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, हम अपने मन में दबाए रहते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। अरे, किसी को पता चल गया तो फिर वो क्या कह देगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अपने मन की बात जो है ना, अपने किसी अच्छे दोस्त को जरूर कह दीजिए। अगर आपका मन किसी बात को लेकर के दुखी है और किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया है, तो आप उस बात को कह दीजिए अपने किसी दोस्त से, या जिस व्यक्ति ने आपको कहा है उसको भी ये वाली बात आप कह सकते हैं कि वो आपको ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसी तो कोई बात नहीं है। और हो सकता है कि इसमें से आपकी बात का समाधान निकल आए, आपके मन का बोझ उतर जाएगा और आपका मन शांत होने के साथ साथ हल्का भी हो जाएगा। किसी शख्स को लेकर के मन में कई बार कभी कभी गुबार आ जाते हैं, कई कई सोचे मन में आ जाती हैं, तो उसे कहने से चुके नहीं, ना ही उसे डरे, बल्कि सीधे कहने की हिम्मत रखें। और कई बार हमारे जीवन में समस्या या कोई परेशानी ना होने पर भी मन पे बोझ सा आ जाता है, हम उदास हो जाते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपका मन परेशान है, आप चिंतित हैं। इसके लिए आप ध्यान भी कर सकते हैं। रोजाना सुबह 20 मिनट का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है और उसके बाद आपको अपने आप ही लगेगा कि आप खुश रहने लग गए हैं। कई बार बहुत ज्यादा सोचने पे भी मन दुखी हो जाता है, और कहते भी हैं कि जो चिंता है या ज्यादा सोच है वो आपको दुखी करने के लिए सबसे बड़ी वजह बन जाती है। अधिक सोचना और अधिक दिमाग लगाने से मन दुखी होता है, ये तो सभी को पता है। हम परेशान होते हैं, इसलिए किसी भी काम या व्यक्ति के बारे में अधिक सोचने पे आपको दुख हासिल होगा। आप जो करते हैं वो करते रहें और उसी में अपना मन लगाएं, लेकिन ईमानदारी से। कई बार हमें लगता है कि फला व्यक्ति के साथ हमने गलत किया, उसका समाधान नहीं किया जा सकता है, ये सब हमारे ईमानदार ना होने की वजह से होता है। अगर हम अपने काम को लेकर के, अपनी बातों को कहने को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के ईमानदार हैं, तो हमारा मन कभी दुखी नहीं होगा, हम हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे जरूरी जो बात है, हमें समय को भी समझना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो उनके दुखी मन का हश्र ऐसा ना होता, लेकिन यही वजह दुखों की वजह बनती है। काश काश कहना छोड़ दीजिए और उस काम को कर दीजिए, अपने समय की कद्र कीजिए। आप भूतकाल के जो सुख हैं उन्हें याद ना करें और वर्तमान में जो आप जी रहे हैं उन्हें आप ठीक तरीके से जिए, ये भी आपको संतुष्टि देगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, रिश्तों को मजबूत बनाएं। दुखी मन का सबसे बड़ा कारण होता है घर में ही मौजूद जो हमारे लोग हैं, जब वो हमारे नहीं रहते तो हमारे रिश्ते कमजोर होने लगते हैं और हम बाहर की दुनिया में निकलना शुरू कर देते हैं, और फिर वहां भी हमें निराशा हासिल होती है और हमारे रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा मन भारी होना शुरू हो जाता है, जीवन में कई तरह की तकलीफें आने शुरू हो जाती हैं। तो आप घर में जो आपके रिश्ते हैं उनको अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए, रिश्तों में काम आइए, लोगों की खुशियों को बांटिए, ये आपको खुशी देगा। और एक जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि बीती ताही बिसार दे, जो चीज हो गई है उसे छोड़ दीजिए। अक्सर हम छोटी छोटी बातों को लेकर के दिल से लगाए रहते हैं और फिर उन्हीं के बारे में घंटों सोचते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस बात को लेकर के आप घंटों उदास बैठे हैं उसे आपने अगर किसी अपने प्रिय दोस्त को कह दी है तो 1 मिनट में वो बात आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। साथ ही आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, इसलिए आपके जीवन में चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, उसे लेकर जीवन भर दुखी होने के बजाय उसे सबक लेकर के आगे बढ़ जाइए। उसे दुख मनाना, उसका दुख मनाना छोड़ दीजिए
जीवन की खुशियों को एंजॉय करिए और दोस्तों के दोस्त बन के रहिए, ये भी बड़ी खास बात है। वो कहते हैं ना कि माँ बाप भाई बहन जैसे रिश्ते तो भगवान देता है, लेकिन दोस्त ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं। इतना ही नहीं, आपकी पहचान तक आपके दोस्तों को देखकर बना लेते हैं लोग। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपके दोस्त ऐसे हों जो आपके हर दुख सुख में साथ निभाने वाले हों। इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप भी उनके सुख दुख में, उनके सुख दुख के पलों में उनका साथ दें। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो जब आपको मुश्किल आएगी तो वो भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और एक और खास बात है, परिवार को कभी आप नजरअंदाज ना करें। माना कि आपके दोस्त बहुत अहम है, माना कि आपकी सहेली आपके लिए बहुत खास है, लेकिन उनसे मिलकर जहां आप जाते हैं वह जगह है घर। इसलिए जरूरी है कि आप अपने परिवार को पूरा समय दें। अक्सर देखा जाता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो काम और दोस्तों के में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर पर रात का खाना और नींद ही लेते हैं। यूं कहिए कि बस सोने आते हैं, खाना खाने आते हैं। अपने मन की हर बात अपने परिवार से साझा करें। हो सकता है कि आपके माँ के साथ ज्यादा सहज हो, या पापा के साथ आपकी ज्यादा ट्यूनिंग अच्छी हो, या भाई बहन के साथ आपकी ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी हो। उनसे आप अपनी बात करें जिनके साथ आप सहज महसूस करते हैं। अपने राज जरूर साझा करें। आप परेशानी में होंगे तो परिवार का और विश्वसनीय व्यक्ति का साथ जो है आपको परेशानी से निकाल सकता है। और सबसे आखिरी बात कि आपको हेल्दी रहना चाहिए। कहते हैं कि अन्न वैसा मन जैसा, कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, हम कहते हैं कि तन वैसा मन। जी हाँ, अगर आप खुद को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो कितने भी खुशनुमा माहौल में आप रह लें, आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। अपने अगर आप बीमार हैं तो नियमित दवाइयां लें, व्यायाम करें और अच्छा आहार लें, ये बहुत जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है आपके लिए। यह खुश रहने का सबसे अहम मंत्र। आप इस मंत्र का पीछा करके ही सब कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में ठीक नहीं होंगे तो समय के साथ नहीं चल पाएंगे। ऊपर बताए हुए जितने भी काम हमने बताए हैं वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होना चाहिए। समय से हर काम करिए, ऑफिस समय से जाइए, बॉस की कभी आपको सुननी नहीं पड़ेगी। अपने काम पे समय से जाइए और समय पे काम खत्म करने के लिए आपको ऑफिस समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से घर में भी आपका पहुंचने का, घर में उठने का, घर में सब काम करने का जो समय है, जरूरी है कि वो समय से करें आप। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं आप। धन्यवाद।